गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शशांक आप सभी का वेलकम करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज मैं आपसे बात करूंगा Amazon की जनवरी में आने वाली अपकमिंग सेल के बारे में और उसके डेट्स के बारे में और ऑफर्स के बारे में। और सबसे ज्यादा आप जिस बारे में इंटरेस्टेड हो, सभी ने कमेंट्स करके मुझसे पूछा था कि भाई इन सभी सेल में से बेस्ट सेल कौन सी होने वाली है, क्योंकि किसी को भाई लैपटॉप लेना है, किसी को गेमिंग लैपटॉप लेना है, किसी को गेमिंग फोन लेना है, किसी को स्मार्टफोन लेना है जो उनके बजट में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, बिकॉज ऑफ सेल, एक अच्छी सेल अगर उनको मिलती है तो शायद वो चीजें जो वो ले नहीं पा रहे हैं वो ले पाए। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए कि उन्होंने बोला मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए, किसी ने बोला मुझे लैपटॉप चाहिए। तो ये सभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी सेल आपकी सभी जो डिमांड है वो सबसे कम रुपए में, सबसे किफायती में आपके डिमांड को फुलफिल करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो जैसा कि आप देख पा रहे, पहली सेल जो आपको देखने को मिलेगी वो सुपर वैल्यू डे सेल, जो कि 1 से 7 तारीख के बीच में आपको हर मंथ में देखने को मिलती है। तो भाई मैं सीधा सिंपल बताता हूं, कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होगा, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होगा जिसके लिए आप वेट कर रहे हो 3-4 महीने से। नहीं भाई, सीधे ग्रोसरी पे आटा दाल चावल, या आपको कुछ ऐसा कुछ लेना है घर के लिए, एसेंशियल आइटम लेना है तो आप ले सकते हो। इसमें कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस पे तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा नहीं, होता ही नहीं है। ग्रोसरी पे मेनली आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो अगर आपको ग्रोसरी लेनी है घर के लिए तो ये सेल में आप ले सकते हो। अगर आप सेकेंड नंबर की बात करें तो वाउ सैलरी डेज की अगर बात करें तो इसमें आपको ठीक ठाक डिस्काउंट देखने को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में मिल जाता है, होम अप्लायंस पे देखने को मिल जाता है। और रही बात, इसमें एक बैंक ऑफर भी देखने को मिलेगा, लेकिन एक ही बात है, इस बैंक ऑफर चाहे वो ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे होगा, लेकिन उसकी लिमिट, उस डिस्काउंट की लिमिट जो कि 1000 से ज्यादा नहीं होगी। कहने का मतलब मैं आपको बताऊंगा, जैसे बिग बिलियन डे पे लगभग 1700 से 1800 के बीच में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिला था, लेकिन यहां पे आपको 1000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस सेल में कोई प्रोडक्ट लो। जब आपके पास बेस्ट ऑप्शन इस मंथ में मिल ही रहा है तो क्यों जाना एक स्मॉल ऑप्शन के लिए। रही बात थर्ड नंबर की सेल की, तो ग्रेट इंडियन सेल जिसके बारे में हम सब जानना चाहते थे वो यही है, जिसको रिपब्लिक डे सेल भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट, मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात कर लेता हूं बैंक ऑफर की, तो इसमें HDFC मोस्ट प्रोबेबली HDFC बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे मैक्सिमम 1500 का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आपको कुछ लेना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने कुछ भी सोच के रखा है, अगर किसी को लैपटॉप लेना है, किसी को फोन लेना है, किसी को अपने लिए कोई फर्नीचर लेनी है या कुछ भी अगर लेना है तो आप ले डालो, क्योंकि अगली सेल जो उसके टक्कर की आने वाली है, जो आपको कोई बहुत कम लोग बताएंगे, वो अगली होने वाले फ्रीडम सेल जो कि अगस्त महीने में मिलेगी। तो अगर आप इतना वेट कर सकते हो तो कर लो, अगर लेकिन अगर आपको 2-3 महीने में कोई सामान लेना है जैसा कि आप सभी ने मुझसे पूछा था, तो ये सेल आपको मिस नहीं करनी चाहिए। ये आपको 22 से लेकर 27 जनवरी के बीच में देखने को मिलेगी और अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। रही बात लास्ट सेल, जो 4th नंबर की सेल है वो फेब फोन्स फेस्ट नाम से आती है, और इस सेल में आपको ठीक ठाक जो बचे कुछ जो प्रोडक्ट रह गए हैं, फोन रह गए हैं जिसमें ऑफर्स के बाद भी स्टॉक रह गया है, वो इसके अंदर आता है एकदम सीधा, और आपको सच बता रहा हूं। तो अगर उसके बाद अगर आप गलती से मिस कर जाते हो, या आपका फिर कोई फैमिली मेंबर ने मुझे एक फोन और भी चाहिए, तो मैं वही सजेस्ट करूंगा जो भी लेना है वो पहले से सोच के आप रिपब्लिक डे सेल में ले लो, लेकिन इस सेल के लिए मत जाओ। इसलिए क्यों? क्योंकि वो जो डिस्काउंट आपको वो मिला रिपब्लिक डे में मिला था, उसके आसपास कहीं भी ये सेल नहीं ठहरेगी। लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी है, अगर मजबूरी है, तो इस सेल के लिए आप जा सकते हो। रही बात, मैं वह फिर से ये बता रहा हूं कि मैं आपको क्यों ऐसा समझा रहा हूं, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं जो कि मैं हर वीडियो में देता हूं। ये रहा iPhone SE, जो कि मैंने
बिग बिलियन डे में लिया था माय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 24,000 के आसपास मैंने लिया। अब सोचो सर कि 40,000 का फोन, अगर आपको 24,000 का आईफोन ब्रांड न्यू मिल रहा है, समझ रहे हैं आप बात को, आपको मैं गारंटी इस बात की दे सकता हूं, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको साल में ऐसा प्राइस दोबारा देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसी सेल में नहीं मिलेगा, दोबारा आपको फिर से बिग बिलियन डेज में शायद ऐसा सेल देखने को मिले। तो कहने का मतलब, मैं एज अ कंज्यूमर समझता हूं पैसे की वैल्यू, इसी नाते बोल रहा हूं कि आप जो भी लेना चाहते हैं इस सेल को मिस मत करिए, आप अपने पैसे बचाइए, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। और अगर मेरी बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे इस न्यू चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आपका अगला साल बहुत ही अच्छा हो।